बड़े शहर, बड़ी महत्वाकांक्षाएं, बड़े मतभेद और बड़े टकराव, ये सच है आज की मेट्रो सिटीज का। और जब ये महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो पैदा होता है गुस्सा। यहाँ बहुत से लोग सही और गलत का चुनाव करने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाने पर ज्यादा आमादा होते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। हिस्सा चाहिए आपको? कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा? हमारी निर्मला ने एक एक पाई जोड़ जोड़ कर इस घर को खड़ा किया है और आपको हिस्सा चाहिए? अरे पर ये घर तो आपके नाम पर है ना, तो आपकी बेटी सुमन का भी कोई हिस्सा होगा कि नहीं? बड़े चौधरी बन रहे आप, कुछ काम धाम तो करते हैं नहीं, ऊपर से ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं और कुत्ते की तरह पड़े हुए घर में, ऊपर से आपको हिस्सा चाहिए? चाहिए नहीं दादी आपको हिस्सा, में चाहिए, निकल जाइए यहाँ से। कुत्ता बोलती है हमें बुढ़िया, कुत्ता बोल। खबरदार, समझते क्या खुद को तुम? ये जो दादागिरी है ना, जाकर अपने बाप के घर में दिखाना जहां से जूते मारकर निकाले गए हैं। दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो सीधा जेल में नजर आओगे। पैसों की जरूरत है हमें, और चाहे जो भी हो जाए हम ये जमीन बेच के ही रहेंगे। वो जमीन हमने साझेदारी में खरीदी है, समझ गई? उस जमीन पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। देखते हैं कैसे बेचती वो जमीन। ठीक है, तो फिर कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाइए। यार इतनी देर हो गई तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। अरे बिजी थी। ऐसा भी कहाँ बिजी हो गई? अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा छोड़ो, एक किस दोन? नहीं प्लीज, कोई आ गया तो प्लीज। मीरा क्या हो रहा था ये सब? तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे हो, तुम ये सब कर रही हो? देखो हम जानते हैं इस सपन को, लायक नहीं है तुम्हारे ये। आज के बाद से ये सब बंद और अपने भविष्य पे ध्यान दो, समझी तुम? बच्ची है हमारी बहन, दूर रहे उससे वरना ठीक नहीं होगा। मीरा, मीरा कहाँ तुम? मीरा हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। काजल का हलवा पसंद है ना तुम्हें? चींटी का जब पर निकल आता है ना उसको टुकड़ा टुकड़ा कुतर देना चाहिए। राहुल हमको लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, जरा देखना तो। स्पीड बढ़ाओ अपनी गाड़ी की। हमारी बहन निर्मला एक जानी मानी वकील थी, उसने ना कभी गलत के आगे झुकना सीखा था और ना कभी हार मानना। बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ वो केस लड़ी बिना अंजाम की परवाह किए हुए, और एक लड़ाई तो वो अपने घर में भी लड़ रही थी। थी जितनी ज्यादा अपने काम की इज्जत करती थी उतना ही ज्यादा अपने परिवार से प्यार। वो हर चीज बहुत ईमानदारी से करती थी, और शायद इस ईमानदारी की वजह से
उनकी जान ले ली गई। आइए सर। सर हिट एंड रन का केस लगता है। सर दो लोग स्कूटर से जा रहे थे, कोई गाड़ी पीछे से ठोक कर गए। सर दो लोग थे, लड़की की उम्र 33 से 38 साल थी और लड़का 31 से 32 साल का है। जो लोग यहाँ से निकल रहे थे इन दोनों ने हॉस्पिटल पहुँचाया। रोड काफी सुनसान रहता है इसलिए किसी ने कुछ देखा नहीं कि एक्सीडेंट किसने किया। पता लगा ये लोग कौन थे, कहाँ रहते थे? हाँ सर, लड़की का नाम निर्मला है, पेशे से वकील थी, और जो लड़का है उसका नाम राहुल है, वो उसका असिस्टेंट। गाड़ी ने स्कूटर को राइट साइड से मारा है और लड़का लेफ्ट में गिरा है और लड़की राइट में। हालांकि दोनों को लेफ्ट में गिरना चाहिए था। और देखो यहाँ, ये गाड़ी के टायर के निशान जिसमें खून के निशान है। अगर गाड़ी ने टक्कर राइट से मारी है तो उसे निकल जाना चाहिए था। ये खून के निशान कैसे है? राइट सर, मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। गाड़ी कौन चला रहा था? सर लोगों ने बताया कि असिस्टेंट राहुल चला रहा था, लेकिन अभी वो बेहोश है। हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो कि जैसे उसे होश आए हमें इन्फॉर्म करें, उसका स्टेटमेंट लेना। और हाँ, घर वालों को इन्फॉर्म करो, लड़की के भी और लड़के के भी। एक्सीडेंट का केस आया था। हाँ एक केस आया तो है। वो कौन से रूम में? लड़का आईसीयू में है। और डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची वो कहाँ है? हम उसे बचा नहीं पाए। कैसे एक पल जीता जागता हंसता बोलता इंसान हमेशा के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। निर्मला ने अपनी छोटी सी दुनिया को संभालने की पूरी कोशिश की थी। जहां एक तरफ उसकी जिंदगी में माँ और छोटी बहन मीरा की वजह से खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में नफरत, गुस्सा और अकेलापन भी था। और कहीं ना कहीं इन सब की वजह से उसकी मौत हो गई। हमेशा के ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और इसके पीछे सर हम पक्के से कह सकते हैं कि ये मर्डर ही है, उसने ही हमारी दीदी को मारा है। किसने? प्रबल, हमारी जीजाजी, हमारी मंजली बहन सुमन के पति। खुद निठेले हमारे घर पर ही पड़े रहते हैं और घर के बंटवारे के लिए उन्होंने हाय तोबा मचा रखी है। जमीन माँ की है लेकिन घर तो दीदी ने बनाया था ना अपने पैसों से, इसलिए दीदी नहीं चाहती थी कि इसका बंटवारा हो, इसलिए उन्होंने दीदी को रास्ते से हटा दिया। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, राहुल को होश आ गया। सर एक वाइट कलर की एसयूवी बहुत देर से हमारे पीछे थी, हमें शक भी हुआ था कि शायद वो हमारा पीछा कर रही है। उसी व्हाइट एसयूवी ने हमें पीछे से टक्कर दी और हम गिर गए। निर्मला किस तरफ गिरी थी? जिस तरफ हम गिरे थे हमारी हमारे पास ही थी। पक्का याद है? हाँ सर, तब तक का मुझे पूरा याद है, उसके बाद का कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। हमारा अंदाजा सही था शुक्ला, निर्मला एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा थी। वो मदद के लिए उठी होगी और अपने स्कूटर के राइट साइड में आई होगी, और तभी जो आगे चली गई गाड़ी उसने रोका, उसे देखा, वो रिवर्स में आई। वापस उसे धक्का मारा, और उसे कुचल कर निकल गई। जहां उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसे निकलवाओ। और हाँ, वो व्हाइट एसयूवी के बारे में पता करो, हो सकता है कि आसपास के किसी गैरेज में उसे रिपेयरिंग के लिए डालो। ठीक है सर, वैसे भी एक्सीडेंट में उसका छोटा मोटा नुकसान तो हुआ ही होगा। और हाँ, इस राहुल के बारे में पता करो, हो सकता है कि उसका कोई दुश्मन हो, मारने इसे आए हो और निर्मला की बलि चढ़ गई हो। निर्मला के घर वालों के बारे में पूछताछ करो। ठीक है सर। अच्छा, ये निर्मला और उसकी बहन के पति प्रबल, इन दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था क्या? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे साहब, दिन रात की भी सुध नहीं लेते थे, आधी आधी रात उनका हंगामा शुरू हो जाता था। अरे दरवाजा खोलो, ए बुढ़िया, अरे मेरी बेगम, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अरे क्या करते हैं आप भी? क्यों आ जाने में इतनी लेट कर दिया? अरे तो क्या हो? जी
ये सब क्या है? रोज रोज दारू के नशे में घर आना ठीक नहीं है। अच्छा, अरे अम्मा जी, पैसे हमारे, दारू हमारी, अरे लीवर हमारा है, आपको क्यों चुल मच रही है? अरे अपनी ना सही, कम से कम हमारी इज्जत की तो परवाह कीजिए। हमारी कौन सी इज्जत रख ली आपने है? क्यों नहीं दे रहे थे हमारा हिस्सा? बोलिए। अच्छा, आपको हिस्सा चाहिए ताकि उसे भी आप दारू में उड़ा दें। बुढ़िया, हिस्सा तो हम तेरे हलक में हाथ डाल के भी निकाल लेंगे, समझी? चल चल, कौन सा हिस्सा चाहिए तुझे? हाँ, हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए तुझे तेरा, मैं देती तुझे दस, ठीक है? नाज़े मार परेशान कर परेशान करके क्या कर रही है? ये पति है हमारे, पति है तो समझा अपने पति को, और अगर दोबारा तो शराब पी कर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। और तू, तुझे जाना ना, तू भी निकल इसके साथ बाहर। ए वकील, नहीं, ये तूने बहुत गलत किया है, तू पछताएगी अब। चल जा, मैं देखता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही सीधी थी साहब, उसके पापा के गुजरने के बाद इस गृहस्थी का भार अकेले ही उसने अपने कंधे पे संभाल रखा था साहब। और ये प्लॉट उसके पापा ने हमारे नाम पे खरीदा था, और निर्मला, निर्मला ने एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर इस घर को बनाया, खुद वकील बनी, दोनों बहनों को पढ़ाया, यहाँ तक के सुमन की शादी भी उसी ने कराई साहब। लेकिन प्रबल को परखने में उससे चूक हो गई साहब, वो एक नंबर का कमीना निकला साहब। और सुमन भी ब्याह के बाद प्रबल के रंग में ही रंग गई साहब। उन दोनों को साहब इस घर में बंटवारा चाहिए था, हिस्सा चाहिए था, और हिस्से के चलते घर में रोज लड़ाइयां होती थी साहब। माँ, हाँ, जरा इन पेपर्स में अंगूठा लगा दीजिए। क्या है बेटा ये? अरे वो हमने आपको बताया था ना, चेन बिजनेस, एक मेंबर को तीन मेंबर्स बनाने होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो बस वही, अगर आप हमारी मेंबर बन जाएंगी तो हमारा 1500 का फायदा हो जाएगा। बस बस इतनी सी बात, ला हाँ। ला मैं कर दूँ। माँ, क्या है ये? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो मेंबरशिप के पेपर्स हैं। कैसा मेंबरशिप? अरे चेन बिजनेस, माँ को हमने समझाया था। माँ अंगूठा लगाइए आप। अम्मा हमको दिखाएं जरा, हमको दिखाइए। अरे हम कह रहे हैं कि मेंबरशिप के पेपर्स हैं। अरे सुमन, हमको देखने तो दो एक बार। हाँ तो हम बाद में करवा लेंगे। हमने कहा पेपर दिखाओ। पति आई जा, हमारी मेंबरशिप का फॉर्म नहीं है, ये पेपर हमारे हमारे घर के हैं। शर्म नहीं आता था तुमको? हाँ, इस हद तक गिर जाओगी तुम? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सुमन, लेकिन हम जानते थे कि अगर इस घर का बंटवारा हुआ तो प्रबल सुमन का हिस्सा भी बेचकर दारू में उड़ा देगा साहब, इसलिए हमारी निर्मला घर में बंटवारा नहीं करना चाहती थी। तो आपको लगता है कि आपके दामाद निर्मला को? साहब, वो एक नंबर का कमीना है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है साहब, किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या एक भी कैमरा नहीं है? ठीक है, तुम अपनी टीम को बोलो कि आगे जाके पूछताछ करें, शायद किसी ने कुछ देखा हो, और कुछ भी मिलता है तो मैं बताओ। ठीक सर, सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिल पाएगी, आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था, और सर सर्विस रोड पे कोई दुकान भी नहीं है, इसीलिए किसी ने कुछ देखा नहीं है, फिर भी टीम को बोल दिया है आगे पूछताछ के लिए। ये प्रबल बंटवारे को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था, हो सकता है कि निर्मला का मर्डर उसी ने किया हो या फिर करवाया हो। तुम उसके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ, और हाँ, निर्मला की और किसी दुश्मनी थी क्या, यही पता करो, हो सकता है कि उसे कोई और मारना चाहता हो। ठीक है सर। सर,
जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा था सर, उसी का फुटेज है। और सर, इस फुटेज में तकरीबन 15 SUV गाड़ियाँ वहाँ से पास होती दिखी है। पता करो इन सारे SUVs के बारे में और देखो इनमें से किसी SUV का ताल्लुक किसी ऐसे इंसान से हो जिसकी दुश्मनी निर्मला से हो। ठीक है सर। वैसे सर, उस राहुल का भी कुंडली निकाले हैं। वो शहर में अकेला ही रहता है, कुछ दिनों पहले आया, जॉब और पढ़ाई के सिलसिले में। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है उसका। और प्रबल? सर, ये प्रबल का फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर, रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इसका लोकेशन वहीं आसपास का ही था। निर्मला के कत्ल के लिए पुलिस को सबसे ज्यादा शक निर्मला की मंझली बहन के पति प्रबल पर था। प्रबल के पास निर्मला की हत्या का मोटिव था और अब तो पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत भी लगा था। प्रबल की कॉल लोकेशन के हिसाब से जिस वक्त निर्मला का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त प्रबल भी उसी एरिया में था। तो क्या प्रॉपर्टी के लालच में प्रबल ने ही निर्मला की जान ली थी? तू जानते है ना पुलिस वाले बाप होते हैं। साहब, हम पुलिस वालों को बाप से कम मानते भी नहीं है। सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ भी नहीं किया है। सच सच बता, तूने उसे मारा ना? तू धमकी भी दे रहा था उसे और तूने उसे मारने का मन भी बना लिया था, क्यों? साहब, ये बात सच है कि निर्मला हमें एक आंख निभाती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है मुझसे जान से मार देंगे। हम तो सुमन का हिस्सा मांग रहे थे उससे। सच सच बता, जहाँ उसका खून हुआ था उस एरिया में तू क्या कर रहा था? सब अम्मा कसम साहब, हम वहाँ अपने दोस्त से मिलने गए थे बस। कौन दोस्त? दीपक मिश्रा, प्रॉपर्टी का काम करता है। हम उसके साथ मिलकर अपना नया धंधा चालू करना चाहते थे बस। उसका पता फोन नंबर दे। दीपक मिश्रा 9250133686। साहब, हम जो हैं जैसे हैं सबके सामने हैं। उस निर्मला की तरह नहीं है कि दुनिया के सामने तो सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीछे से यार पाल के बैठी थी वो, अजीत कुमार नाम का। दोनों ने मिलकर काफी रातें रंगीन करी थी। साहब, उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा और उसने निर्मला को जान से मार दिया होगा। आप अजीत कुमार से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहाँ मिलेगा अजीत कुमार? कॉलेज में। प्रोफेसर है? नहीं, स्टूडेंट है साहब। हाँ, निर्मला दीदी को अपनी उम्र से बहुत छोटे लड़के से प्यार था। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इन्हें गलत मानेंगे। हमें भी जब पहली बार पता चला था तो हमें भी बहुत बुरा लगा था। जिस दीदी ने अकेले दम पर पूरे घर को संभाला था, बाप बनकर मुझे और सुमन दी की देखभाल की, भला वो ऐसे कैसे कर सकती थी? लेकिन हमने दीदी की आंखों में अजीत के लिए सच्चा प्यार देखा था। फिर हमें समझ में आया, जो हम सबके आगे ढाल बनकर खड़ी थी वो भी अंदर से एक औरत, एक लड़की ही है। उसे भी तो किसी प्यार की और अपनेपन की जरूरत होगी। और अगर उन्हें अजीत में अपना प्यार मिल गया था तो इसमें बुराई क्या थी? अजीत कहाँ, बुला उसे। सर, वो तो यहाँ नहीं है, पिछले हफ्ते से गायब है। पिछले हफ्ते से गायब है मतलब? सर, मैंने उसको फोन किया था, फोन बंद आ रहा है सर। अब पता नहीं सर अचानक कहाँ चला गया। इस औरत को जानते हो? जी सर, ये निर्मला है, आती थी अजीत से मिलने कभी कभी। क्या रिश्ता था अजीत और निर्मला का? सर, यही सवाल मैंने भी उस एक दिन पूछा था। लगता है तेरी निर्मला आई थी आज। साले तू आम खाना, गुडली के पीछे गाय पड़ा है बे। साले तू सबके ऊपर अपना चांद चलाता है। अच्छा सुन ना, कुछ मुझे भी टिप दे दे यार। अच्छा एक बात बता, वो तुझसे थोड़ी बड़ी नहीं है? अरे साले, तेरे भाई के खर्चे भी तो बड़े। बस यो समझ कि निर्मला मेरा चलता फिरता ATM है, उसे प्यार चाहिए और मुझे पैसा। Cheers! सर, एक नंबर का फ्लर्ट है वो। सर, लड़कियों को इमोशनल करके बेवकूफ बनाता है। निर्मला के साथ भी उसने यही किया, पर पहले उसको इमोशनल किया और फिर सर उसे प्यार का झांसा दे करके उसके पैसों पे ऐश कर रहा था। नंबर दो उसका। हाँ सर। इसका फोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करो, इस नंबर को टेक्निकल टीम को भेजो और इस नंबर की लास्ट एक्टिव लोकेशन मुझे बताओ। सर। अरे वाह, क्या बात,
बीवी हो तो ऐसी हो। हमारी निर्मला की मौत का जश्न मना रहा है तू? हाँ जश्न ही तो है अम्मा जी, बिल्कुल जश्न है, लेकिन निर्मला की मौत का नहीं, के जश्न है हमारा झगड़ा खत्म होने का। चलिए अब से हम आपसे कभी भी हिस्सा नहीं मांगेंगे, पता क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ हमारा ही है। हैं? कितना बेशरम है तू, तू इस हद तक गिर जाएगा हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया कि हमारी निर्मला को तूने ही मारा है। चलो मान लिया हमी ने मारा है। हाँ हमने मारा है, क्या कर लेंगे आप? कुछ सबूत है आपके पास? बताइए, कोई गवाह है, कोई सबूत है? नहीं है ना? तो चीयर्स, चीयर्स। चलो सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है, सुशीला नाम बता रही है अपना। भेजो। सर मैं सुशीला, निर्मला जी के मर्डर की खबर देखी टीवी पर तो खुद को रोक नहीं पाई, उसी केस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बैठिए। सर निर्मला जी नेता विद्युत सिंह के भाई के खिलाफ एक केस लड़ रही थी। कैसा केस? रेप केस। आपको कैसे मालूम इस बारे में? सर उस केस की विक्टिम मैं ही थी। विद्युत सिंह का इतना खौफ था सर कि किसी वकील ने मेरा केस नहीं लिया, सबने मना कर दिया, तब निर्मला जी ने मेरा साथ दिया और मेरा केस लड़ा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज केस फाइल हो गया, हम उसे सजा दिलवा कर रहेंगे, ठीक है? नमस्कार वकील साहिबा, जरा एक मिनट, आपसे कुछ बात करना था हमको। देखिए वकील साहिबा, हमारा भाई जो किया है ना बहुत गलत किया है। अरे हमको जब पता चला है ना तो जूता उतार के मारे हैं हम उसको। अब बताओ ना बेचारी बच्ची का जीवन। बच्ची का जीवन खराब कर दिया है। पर वकील साहिबा आप जो एक कोर्ट कचहरी का टंटा फैला रही है ना, इससे तो इसका जीवन और खराब हो जाएगा। देखिए बेकार में बहुत बदनामी हो जाएगी, शादी ब्याह तक नहीं होगा, जहां भी जाएगी ना लोग इसको बुरी नजर से निहारेंगे। अपना निजी संपत्ति समझने लगेंगे सब इसको। ये दुनिया बहुत खराब है वकील साहब, हम बता देते हैं आपको। और उसके बाद इसके पास सिर्फ एक काम बच जाएगा, चादर बदली का। देखिए वकील साहिबा, अरे हमरे भाई ने जो कुकर्म किया है उसकी सजा काहे दिलवा रहे हैं आप इस बेचारी को? 5,00,000 रुपया देंगे हम इसको, और आपको जो चाहिएगा वो ले लीजिएगा। हाँ बहुत खुशी हुआ ये जानकर कि आपको इसका इतना चिंता है, पर हमको ऐसा लगता है कि आपको अपने भाई का फिक्र ज्यादा होना चाहिए। आपके लल्ला ने जो कांड किया है ना उसके लिए हम उसे जिंदगी भर जेल में सड़ा कर छोड़ेंगे, और ये वादा है हमारा। वाह वकील साहिबा वाह, डायलॉग बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बिल्कुल फिल्म के जैसे। पर एक बात याद रखिएगा वकील साहिबा, ये जो जनता की सेवा करके नाम कमाने की चुल मची है ना आपको, याद रखिएगा कहीं आपका नाम बेगैब ना हो जाए। निर्मला जी बहुत अच्छी थी सर, मैं तो कभी कभी डर भी जाती थी केस के दौरान, लेकिन वो कभी नहीं डरती थी। वो कहती थी जो सच का साथ देते हैं कभी नहीं डरते। सर इस केस के दौरान उन्हें काफी धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने केस नहीं छोड़ा, कभी पीछे नहीं हटी। सर आज उन्हीं की बदौलत वो राक्षस जेल में है। सर जो सबको न्याय दिलाती थी उन्हें भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। बोले सब तक तो ये मान रही थी कि निर्मला का कत्ल पारिवारिक कलह की वजह से हुआ था, लेकिन सुशीला के सामने आने से उनके सामने एक और नया नाम आया था जो निर्मला से अपना बदला लेना चाहता था। और पुलिस को यह भी पता चला कि निर्मला न सिर्फ एक जिम्मेदार लड़की थी जिसने अपने दम पर पूरे परिवार को संभाला था, बल्कि वो एक बहादुर और अपने दिल की आवाज सुनने वाली इंसान भी थी। उसमें इतना साहस था कि वो गलत के सामने खड़ी हो सके और जीत भी सके। तो क्या इसी साहस की वजह से उसकी जान गई थी? सर ये देखिए, यहाँ से जो 15 SUV गाड़ियां पास हो रही हैं, इनमें से सर
इस गाड़ी का नंबर विद्युत सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। विद्युत सिंह की गाड़ी का उसी वक्त वहां से गुजरना सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, तो क्या विद्युत सिंह ने ही निर्मला की जान ली थी? कोई निशान मिला? नहीं सर, कहीं भी कोई निशान नहीं है। अब तक तो सारे निशान मिटा दिए होंगे। चलो चेक करते हैं इनसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए बैठिए। बताइए क्या आओ भगत करें हम आप लोगों की? आओ भगत छोड़िए नेताजी, ये बताइए आपका और निर्मला का क्या विवाद चल रहा था? लगता है कोई दोषी मिला नहीं आप लोगों को, तो निर्मला की मौत का ठीकरा हमारे सर फोड़ने चले आए। निर्मला ने आपके भाई को अंदर करवाया था ना, बुरा लगा होगा ना आपको? अब हमारे कर्मों की सजा हमारे भाई को मिले तो बुरा तो लगेगा ही ना। हा? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि हम ठहरे जनता के सेवक, जनता के उत्थान के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, हम करते हैं। इसलिए हमारी छवि खराब करने वालों की कमी नहीं है। लगा दिया इल्जाम हमारे भाई पर निर्मला पर हमें कोई गुस्सा नहीं था। भोली थी बेचारी, उसे नहीं पता था कि जो कर रही है वो गलत कर रही है, पर गलती तो हुई ना, तो दे दी भगवान ने सजा गलती की। भगवान ने? आपने? ये पुलिस की जात भी बहुत अजीब होती है, थोड़ा सा पावर मिला नहीं कि बन गए सिंघम। दरोगा जी, अभी पावर हम हैं, हम। जरा संभल के विद्युत जी। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, अब तो फिर सीरियस हो गए, नाराज हो गए। देखिए दरोगा जी, हमने निर्मला को नहीं मारा। अरे हम पागल थोड़े हैं, देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है तो हम उसको कैसे मार सकते हैं? हमारा भाई पहले जेल में है, अब उसको मार कर हम जेल में जाके भाई के साथ तमगुरा तो नहीं बजाएंगे ना। देखिए हम ऐसी गलती नहीं कर सकते, और अब आपसे भी दरख्वास्त है कि अपना समय व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, जाइए ढूंढिए असली दोषी को, जाइए। तो आपकी एसयूवी क्या कर रही थी जहां एक्सीडेंट हुआ था? हमारी गाड़ी वहां पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी गाड़ी तो उस दिन गैराज में थी। कौन से गैराज में थी आपकी एसयूवी? अरे कौन से गैराज में तेरे गाड़ी? सर रघु के गैराज में। इनकी गाड़ी को फोरेंसिक के लिए भेजो। ये विद्युत सिंह का व्हाइट एसयूवी रिपेयरिंग के लिए यहीं आया था क्या? जी जी साहब, यहीं पर आया था। कौन सी तारीख को आया था? साहब वो आया था 17 तारीख की सुबह को आया था साहब। और कौन सी तारीख तक था यहाँ पर? साहब वो था 19 तारीख की शाम तक, साहब मैं ही छोड़ के आया था। मतलब 17 तारीख की सुबह से लेके 19 तारीख की शाम तक गाड़ी यहीं था, थोड़े भी समय के लिए यहाँ से हिला नहीं? जी साहब यहीं पर थी, सारी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी रहती साहब, क्योंकि अंदर जगह नहीं है, और साहब आज तक तो कोई गाड़ी हिली नहीं यहाँ पर। जब गाड़ी यहाँ से हिला नहीं तो एक्सीडेंट स्पॉट पर कैसे पहुँचा? झूठ बोल रहा है ना? नहीं नहीं सर, बोल रहा हूँ साहब, मुझे साहब हमें नहीं मालूम साहब, हमें माफ कर दीजिए, गाड़ी यहीं पर खड़ी रहती है साहब। कोई ना कोई तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, ये निर्मला हत्याकांड में हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपकी मौत में तो सिर्फ एक ही का फायदा हो सकता है। किसका? दीपक पांडे। यहाँ आप जेल जाएंगे और वो वहां पे कुर्सी करेगा। दीपक पांडे? दीपक पांडे ने निश्चित उस गैराज वाले को पैसे देकर हमारी गाड़ी निकलवाई होगी। ये निर्मला का केस एक गुत्थी बना हुआ है, हो सकता है कि प्रबल ने उसका खून किया हो, क्योंकि वो जानता था कि उसके कई दुश्मन हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत ने उसे मरवाया। उसकी भी परफेक्ट प्लानिंग थी, उसने एक दिन पहले अपनी गाड़ी गैराज में डाली ताकि उस पर शक ना हो, या फिर वो अजीत जिसका निर्मला के साथ अफेयर है, हो सकता है कि किया धरा उसका हो, तभी वो फरार है। सर दीपक पांडे आपसे मिलना चाहते हैं। दीपक पांडे? सर ये तो उसी एरिया का लीडर है जहाँ निर्मला का घर है। निर्मला जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, और हम दावे से कह सकते हैं कि ये सब किसी और का नहीं, उस विद्युत सिंह का काम है। दावे सिर्फ बातों पर नहीं किए जाते हैं। दरोगा जी हमारे पास कुछ सबूत भी है, कुछ रिकॉर्डिंग है, सुनाना चाहते हैं आपको। सुनाइए। अरे मैडम जी आपके ना पूरे दिन का हिसाब किताब है हमारे पास, आप कहाँ जाती हो, कब जाती हो, क्यों जाती हो। अपना देखो ये रोड पर एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए, अभी किसी दिन किसी गाड़ी ने तुमको उड़ा दिया तो तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? निर्मला ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन बाद में ये नंबर और एड्रेस दोनों फर्जी पाए गए, लेकिन हम पक्का यकीन से कह सकते हैं कि विद्युत सिंह निर्मला जी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था,
निर्मला आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, तो मर्डर के दिन से अब तक आप कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए? दरोगा जी, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, पार्टी लीडर से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, आज ही तो लौटे हैं। किसको दिया था हमरा गाड़ी? हमको नहीं मालूम मालिक। नहीं मालूम? नहीं मालूम मालिक, हमको नहीं मालूम मालिक। तो फिर हमरा गाड़ी वहाँ गया कैसे रे? तो मालिक हमको नहीं मालूम मालिक। कैसे गया? मालिक हम सच बोल रहे हैं, हमको नहीं मालूम मालिक। पता नहीं मालिक हमको। पता नहीं? नहीं मालिक। हाँ? नहीं मालिक हमको नहीं मालूम मालिक। हेलो, हाँ बोलो। हाँ दीपक पांडे, पुलिस स्टेशन का बहुत परिक्रमा किया जा रहा है, बहुत याराना था क्या? हमारी तो जो थी सो थी, तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली हो। देखो दीपक पांडे, शतरंज खेल रहे हो ना, तो शतरंज के खिलाड़ी हम भी हैं, खूब समझते हैं तुम्हारी चाल को, अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने उसको मारा है और अब हमको फंसा रहे हो। अच्छा तो पुलिस थाना जाओ, हमारा नाम बताओ। अरे पुलिस तो असली खूनी को ढूंढ रही है, जाओ। दीपक पांडे, जो तुम कर रहे हो ना, उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, बता दे रहे हैं हम। तो आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे शांत 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 शांत। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे नेताजी को नहीं ले जा सकते, इनको ले जाने के लिए हमारे लाशों पर से गुजरना पड़ेगा आपको। शांत शांत शांत। देखिए आप लोग शांति कायम रखिए और इन लोगों को इनका काम करने दीजिए। हाँ चलिए नेताजी जी। ठीक है। कब तक बैठेंगे हम यहाँ पर? अरे हमारे प्यारे नेताजी को चाय वाय नहीं पिलाएगा? अरे हाँ ये लीजिए, चाय पीजिए, आपका गला तर हो जाएगा, तब सच भी बहुत आसानी से निकलेगा। सुना है आपको धमकियां देने का बहुत शौक है, पहले निर्मला जी को दी, फिर उसके बाद दीपक पांडे। महाशय आप हमारी बात मान नहीं रहे। मानना तो आपको है कि आपने ही निर्मला को मारने की सुपारी दी। अरे कैसी ओछी बात कर रहे हैं आप? देखिए हमने किसी को कोई सुपारी नहीं दी, निर्मला की हत्या से हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो आपकी गाड़ी वहां कैसे पाई गई? उस संदर्भ में हमको कुछ नहीं पता, हमको नहीं पता कि हमारी गाड़ी घटनास्थल पर क्या कर रही थी। हाँ वो गुस्से में हम दो चार बात जरूर उसको बोल दिए थे, पर उसको मरवाकर हम जनता में अपनी प्रतिष्ठा और छवि खराब नहीं कर सकते। सर पड़ोसी से पता चला है कि निर्मला की छोटी बहन मीरा, जिसने निर्मला की कंप्लेंट की थी, सर उसका कुछ दिन पहले निर्मला से झगड़ा हुआ था अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। हो सकता है इसी ने अपनी बहन का मर्डर किया हो और इल्जाम प्रबल पर लगा रही हो। दी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, बड़ी बहन से ज्यादा वो मेरी माँ पापा थी, उन्हें हमारा तपन के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब उन्हें ये पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। हमें पूरा तो बहुत लगा था, लेकिन हम जानते थे कि दी कभी भी हमारा गलत नहीं सोच सकती थी और ना ही कभी गलत रास्ते पर जाने दे सकती थी। जी दीदी को तपन बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्ची है हमारी बहन, दूर रहे उससे वरना ठीक नहीं होगा। ऐसा है मैडम, हम प्यार करते हैं। यही तो परेशानी है, खूब देखा है हमने तुम्हारा प्यार, बहुत लड़कियों से प्यार होता है तुमको। हाँ लेकिन आज के बाद अगर हमारी बहन के आसपास भी नजर आया ना तो उसके बाद तू कहीं नहीं दिखाई देगा, समझा? ये सब जो भी हुआ था तपन ने हमें बताया था, लेकिन दीदी को हम कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और ना ही वो कभी हमारे बारे में गलत सोचती थी, इसलिए हमने तपन के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। निर्मला को क्यों मारा? क्या सर,
हम क्यों मारेंगे उसको? सर हम तो उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहते थे सर, और अगर हमारी बात बन जाती तो हमारी लाइफ सेट हो जाती। निर्मला तो बहुत अच्छी वकील थी और उसका सारा फायदा हमें होता सर, लेकिन मीरा ने मना कर दिया तो हमने भी उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया सर। और वैसे भी उस दिन तो हम इस शहर में नहीं थे, जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन हम मेरठ गए थे अपने दोस्तों के साथ। हेलो, ठीक है सर। अजीत जी सर, क्या हुआ? चल अरे सर, साहब सर काट तो मारो मत सर। अब ये बोल, तेरा और निर्मला का क्या रिश्ता था? बस सर, हम और निर्मला रिलेशनशिप में थे सर, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने हमारे बीच के सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सर। क्यों तोड़ दिया? आप यहां क्यों आई है? आप क्या हो गया तुम्हें? आजकल कहां रहते हो तुम? फोन भी नहीं उठाते सब। देखिए ठीक तो है ना? हमें आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। कैसी बात कर रहे हो? प्यार करते हैं हम तुमसे। देखिए हमें किसी और से प्यार हो गया है, आप जाइए यहां से। क्या किसी और से? मतलब तुम हमारे साथ चीटिंग कर रहे थे? ओ मैडम, काहे की चीटिंग? कौन सा हम साथ फेरे लेकर जन्म जन्म के लिए होने वाले थे? वैसे भी आप इतनी बड़ी है हमसे। देखिए आप अपनी जरूरत पूरी कर रही थी और हम अपनी, बस और कुछ नहीं। जरूरत? कैसी जरूरत? सच्चा प्यार करते हम तुमसे। अरे सच्चा प्यार करना था तो जाकर कोई अपनी उम्र का ढूंढ लेती। चार पैसे देकर हमें क्यों बहकाया? क्या कहा तुम्हें? इसका मतलब तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे थे? आपको जो समझना है समझ लीजिए, आप जाइए यहां से। हमें जो समझना था हमने समझ लिया। अब तुम देखना हम क्या करते हैं। अपनी आगे की पढ़ाई अब पूरी जेल में पूरी करना। तो निर्मला ने तुम पर दबाव डाला और उसे छुटकारा पाने के लिए तुमने उसे मार दिया? अरे नहीं सर, हम तो खुद इतना डर गए थे कि पीजी छोड़कर घर भाग गए थे सर। वो वकील थी और उसके ऊपर दीपक पांडे का हाथ भी था सर, वो उसके बहुत क्लोज थी, हमें लगा वो उसके सपोर्ट से कुछ भी कर सकती है सर, हम डर गए थे। निर्मला ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस जिंदगी से थोड़ा प्यार मांगा था, वो भी उसे नहीं मिल पाया। इतने दिनों से अजीत निर्मला के साथ प्यार का नाटक कर उससे पैसे ऐंठता रहा। निर्मला के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता था कि जिन्हें उसने अपना माना वही लोग उसे धोखा देते रहे। पांडे जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? हाँ सर, सर ये पांडे और निर्मला काफी अच्छे दोस्त हैं और सर इनकी फैमिली के बीच में भी काफी अच्छे संबंध हैं, लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से इनकी फैमिली में विवाद चल रहा है। किस बात को लेकर? सर जमीन को लेकर। और विद्युत, इसने कुछ कबूल किया? फिलहाल तो नहीं सर। पुराना चावल है, पकने में थोड़ा समय तो लगाएगा ही। निर्मला और दीपक के बीच कोई अनबन चल रही थी क्या? जी साहब, हमारी निर्मला और दीपक ने मिलकर साझेदारी में एक जमीन खरीदी थी। वो दोनों यही चाहते थे कि उस जमीन को बेचकर बाद में दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, और यहाँ निर्मला सुमन और प्रबल के रोज रोज के तमाशे से परेशान हो गई थी साहब। वो यही चाहती थी कि उस जमीन को बेच करके सुमन और प्रबल को 25 लाख रुपये दे दे, ताकि उन लोग इस घर में हिस्सा मांगना बंद कर दे साहब। और निर्मला को तो खरीदार भी मिल गया था साहब, लेकिन ऐन वक्त पर दीपक ने जमीन बेचने से मना कर दिया, और इस बात को लेकर के निर्मला और दीपक पे काफी झगड़ा हुआ था साहब। कोनो झगड़ा नहीं था दरोगा जी, हाँ थोड़ा अनबन हुआ था। देखिए हमने तो एक वकील से बात करके उसकी माँ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। सर मीरा के बॉयफ्रेंड तपन ने जो हमें बताया था सब कुछ सच निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं और सबका मोटिव भी क्लियर था उसे मारने का, तब भी कहीं चूक हो रही है हमसे। एक काम करते हैं,
हम इस केस की स्टडी वापस से करते हैं, सारे सबूत एक बार फिर से मिलाकर देखते हैं। तुम एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज और विद्युत की गाड़ी की पिक्चर लेकर आओ। एक मिनट रिवाइंड करो, इसको स्टॉप कर, पॉज कर, जूम कर। ये देखो, ये जो गाड़ी फुटेज में दिख रही है इसके फ्रंट ग्लास पे स्टिकर लगा है, लेकिन विद्युत की गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर कोई स्टिकर नजर नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़े। इसे टेक्निकल में भेज कर ना, इसे जूम करके स्टिकर का सारा इन्फॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। सर, सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी पर जो स्टिकर लगा हुआ नजर आ रहा था वो एक ट्रेवल एजेंसी का है। सर, ये गाड़ी और स्टिकर तो वही है लेकिन ये नंबर प्लेट चेंज है। चलो अंदर आओ। कहिए सर। निर्मला को तुमने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, उसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट बदल दिए ताकि तुम पर शक ना जाए, क्यों? कौन निर्मला सर, और मैं क्यों किसी को मारूंगा? मेरा तो टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है। 17 तारीख को 4 से 6 के बीच तुम्हारी ये गाड़ी कहाँ थी? मैंने गाड़ी उसे किराए पर दी थी। किसको दी थी? गोपाल को। चिंता वाली कोई बात है नहीं। हम तो चल। क्या हुआ साहब? चल। अरे ऐसा कैसे ले जाओगे? अरे इज्जत आ रहा है, ले जाओगे इसे? बोल, ऐसे नहीं बोलेगा तू, ऐसे नहीं बोलेगा। सुपारी किलर है तू, सुपारी किलर है तू, सुपारी किलर है, सुपारी किलर है, सुपारी लेगा तू, सुपारी किलर है तू। किसने दी थी तुझे सुपारी निर्मला की? किसने दी थी? क्या दुश्मनी थी तेरी निर्मला से? बोल। हम कुछ नहीं जानते साहब, हम किसी को नहीं जानते। तू नहीं जानता। तुम लोग चालू रखो, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं चाय पी के आता हूँ। चल बोल। ऐसे नहीं बोले, डंडा दो, डंडा। नहीं नहीं बोलोगे ना? चोट नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना? चोट नहीं लग रहा है? बड़ा डंडा ला, बड़ा डंडा। बोल, किसने दिया था निर्मला का सुपारी? बोल बोल। पांडे। कौन पांडे? कौन पांडे? कौन पांडे? दीपक पांडे साहब। दीपक पांडे। उठा इसको। अरे अरे हुआ क्या? कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने निर्मला से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। वो बार बार मुझसे वो पैसे मांग रही थी। ऊपर से उसका जीजा उसके सर पर बैठा हुआ था बंटवारे के लिए। वो पैसा लेकर उसे देकर छुटकारा पाना चाहती थी, हर रोज रोज के तमाशे से भी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इलेक्शन भी नजदीक आ रहा था, मुझे खुद पैसों की जरूरत थी। मैं बहुत टेंशन में था। हम दोनों ने पार्टनरशिप में एक जमीन ली थी। वो चाहती थी कि मैं वो जमीन बेचकर उसे पैसे दे दूं। पैसों की जरूरत है हमें, और चाहे जो भी हो जाए हम ये जमीन बेच के ही रहेंगे। वो जमीन हमने साझेदारी में खरीदी है, समझ गई? उस जमीन पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। ऊपर से ये विद्युत सिंह के दोबारा इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए, गोपाल को, निर्मला को मर्डर करने की सुपारी दी। गोपाल ने राकेश से विद्युत सिंह की गाड़ी से मिलती जुलती एक गाड़ी किराए पर ली। उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर विद्युत सिंह की गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट लगा दिया। स्टिकर निकालना भूल गया, वरना हम पकड़े नहीं जाते। न गुना छुपता है और न गुनेगार। तूने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम औरत की हत्या कर दी। चार्जशीट फाइल करो।
निर्मला दी ने किसी के साथ भी गलत नहीं किया और ना ही किसी गलत इंसान का साथ दिया, लेकिन उनकी इसी अच्छाई की वजह से उनकी जान चली गई। प्रबल जीजा जी घर के हिस्से के पीछे पड़े थे, अगर वो दीदी पर दबाव नहीं डालते ना तो दी को भी दीपक पांडे पर जमीन बेचने के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दीदी स्वार्थी लोगों से गिरी थी, वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमें सुकून है कि हमारी दीदी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिली, और इस बात का दुख भी है कि हमारी दीदी हमारे बीच नहीं रही। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.